वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर अंशु। और आज सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। और ये जो आप लोगों को कुर्ती दिख रही है ना, देखो मैं पता नहीं, ये पापा मेरे लिए अभी लेके आए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यू ईयर पे नए कपड़े पहनती हूँ। लेकिन मैंने ये पहन के देख लिया और मैं सोची आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ऐसी ऐसी है और नीचे है ब्लैक लेगी। ओ अभी अभी ये बोर्ड से निकल जाता। हाँ अब आते हैं बात पे। तो ये लेगी और ये सूट पापा मेरे से मार्केट से मेरे लिए अभी लेके आए हैं। और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी फीवर नहीं है। और अब हो रहा है शाम की 5:30 के आसपास टाइम हो रहे हैं, और मैं थोड़ी देर पहले अभी आई हूँ। मैं गई थी बैंक में, मेरा जो काम था वो आज कंप्लीट हो गया है। इतने दिन बाद इतना चक्कर कटा है ना मैंने, मुझे बताया मैंने कितने चक्कर काटे हैं। और मेरी फीवर की वजह से मुझे इतना ज़्यादा मुझे हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, हाँ फीवर की वजह से इतने सारे मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं ना, बहुत सारे मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं। मैंने अभी बिल्कुल एक रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, इससे पहले आ गया होगा एक रिव्यू क्या है, और सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा न्यू सूट पापा लेके आए हैं। पापा ले आते हैं, मतलब जो भी पापा को मार्केट में चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अपने आप ही लेके आ जाते हैं, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यही। और मेरे कल को वॉश करूँगी कपड़े और क्या। और हाँ भूल गई, कुछ सब्सक्राइबर थे जो कमेंट कर रहे थे कि हमारा नाम लेना। नेक्स्ट वीडियो में पक्का लूँगी, क्योंकि मुझे अब उनके नाम याद नहीं है। और कल मैंने व्लॉग भी नहीं भेजा था, और आप लोग समझ सकते हैं मैं कब तक बीमारी के व्लॉग डालती, मतलब लगातार कंटिन्यू मैं बुखार 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 कर रही थी। और आओ बुखार बुखार कर रही थी तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और देखना मेरा कमरा भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, मुझे वो भी सेट करना है। और हमारी मम्मी जी से हाय हाय, कहाँ घूम के आए हो? अरे ये सूट तुम कई जगह गए थे घूमने? ये सूट मुझे पापा और मम्मी दोनों की पसंद का, ऐसे पहन के ना मैं बैंक में गई थी, तो वहां पे फिर मैं अपने ताऊजी वाऊजी के घर चली गई थी, तो सब लोग वो यही बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, बताना जरूर। और अब मैं बहुत जल्दी शाम के टाइम घूमने जाना भी स्टार्ट करूंगी, शायद कल से है ना। आज तो थोड़ा थक से गए हैं, कल से पक्का स्टार्ट होगा, कल से घूमने जाना। क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज्यादा हेल्दी हेल्दी कमेंट आ रहे हैं कि हेल्दी हूँ। हेल्दी तो देखो मैं शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मैं हेल्दी हूँ। और मुझसे हैप्पी जी हैं, एक दो मेरी और सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे अपने पुराने फ़ोटो दिखाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं भी देखती हूँ मम्मी कहीं पे हैं। ज़्यादातर मेरे फ़ोटो मेरे फ़ोन में ही हैं, अब वो फ़ोन में मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर कैसे आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं एक आधा शायद होगा कहीं, तो मैं आप लोगों को अपने बचपन के भी फ़ोटो दिखाऊंगी। मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, मैं बचपन से गोलू बोलू मैं बचपन से ही है, मतलब अच्छी खासी खाती पीती थी, नहीं बीच में बहुत हल्की हो गई। हाँ एक बार मैंने अपना वेट कम किया था, तब थोड़ा ज्यादा कम हो गया था, तो थोड़ा मतलब मैंने एक वेट कम किया था, क्योंकि आजकल जीरो फिगर की लड़कियां आती हैं तो मैं उस हिसाब से थोड़ी हेल्दी लगती हूँ। तो मैंने एक बार कम किया था वेट, बहुत ज्यादा कम किया था, लेकिन फिर वही रूटीन में आ गई। लेकिन अब मैं फिर सोच रही हूँ कि मुझे अपना वेट कम करना है, सच में करना है इस बार। और मेरे एक सब्सक्राइबर है, नाम याद नहीं है, पता नहीं आज ही शायद उन्होंने मुझे कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आप अपने बालों को बार बार ऐसे क्यों हाथ लगाती हो। पता नहीं वो हो जाता है, वो जान पूछ के नहीं होता, वो एक नेचुरल चीज़ होती है जो आप बार बार ऐसे हाथ लगा लेते हो, तो बस वही है। और आज इतने टाइम बाद पहले मैं अपना इसकी लाइटिंग दिलाती हूँ। हाँ जी मम्मी बनाएंगे बदरक की कड़क सी चाय, देखिए चिलू ने और हमारे साथ एक प्रॉब्लम और है, चाय बनेगी तो उसमें क्या होता है, मैं पीती हूँ अदरक वाली चाय, लाइट भाग गई, आपको रोशनी की से पता चल गया होगा, एक तुरंत ही लाइट कम आने लगती है। तो मैं पीती हूँ अदरक वाली चाय,
पापा पीते हैं शक्कर की ना पीला, पापा गुड़ की ऐसी पीते हैं चाय, और मतलब वो अदरक नहीं पीते क्योंकि उनके अदरक गर्म होता है तो वो उनके एलर्जी करता है फेस पे, तो इसी वजह से वो नहीं पीते हैं। एक चीज़ हो रहा है, जब से मुझे फीवर हुआ है ना तब से मुझे सांस थोड़ा जल्दी चढ़ने लगा। और हाँ, जो इससे पहले मैंने वीडियो भेजी है रिव्यू की, उसे ज़रूर देख लेना, वो रियल में बहुत ज़्यादा प्रिटी सूट है, आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। मैं इसे रोज रात को जला के सोती हूँ, कोई सा भी नाइट ब्लफ नहीं जलाती, सिर्फ रात को इसे जला के मैं तब सोती हूँ। और मैं पहले अपना रूम देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे वो सब मैंने सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं अपना रूम क्लीन कर लूँ, चाय वाय बना लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, और मैंने ये ही पहन लिया है, ये आप लोगों ने मेरे कई सारे ब्लॉग में देखी होगी, लाइटिंग की परेशानियाँ तो प्लीज़ इग्नोर करें। ये वाली जैकेट आप लोगों ने कई वीडियो में मेरे साथ देख ली होगी, एक मिनट को राइट चला देती हूँ। हाँ, तो ये वाली जैकेट आप लोगों ने कई वीडियो में मेरी देख ली होगी, क्योंकि मेरे पास जैकेट है लेकिन वो है ना, मुझे इसमें मेरे जो है कान मेरे कवर हो जाते हैं, तो मुझे इसलिए इतनी परेशानी नहीं होती। पता है क्या मम्मी, ये अदरक खराब तो ना हो है? पता है क्या हुआ था, आज जब मैं आ रही थी तो ऐसी अदरक कोई बेचने वाला था, तो मम्मी ने मुझसे बोला अदरक ले ले, मैंने पूरा आधी किलो अदरक ले लिया, और मम्मी बोल रही है कि कम लेना चाहिए था। तीन लोगों के अकॉर्डिंग तो आधा किलो अदरक बहुत ज़्यादा हो गया, और जबकि मेरे घर में सिर्फ मेरे अलावा कोई और नहीं खाता अदरक। ना पापा चाय पीते हैं अदरक की, मम्मी कभी कभार, मतलब पापा भी मम्मी की पापा जैसी चाय पी लेते हैं। पापा, तो हाँ, मैंने आप लोगों को अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि मैं पापा का गाना सुनवाऊंगी। पापा गाना सुनाओ। गाना मैं इसमें सुनाऊंगा? हाँ तो सुनो। एक सेकंड रुक जाता है। तो अभी हम पापा की थोड़ी सिंगिंग सुनेंगे, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था ना इंडिया का एक छुपा हुआ सितारा। मजाक ना ले रही हूँ पापा, मैं सीरियसली बता रही हूँ। एक इंडिया का एक उभरता सितारा, जो पापा क्यों नहीं सिंगर बने? उस टाइम पे ना अपने टैलेंट की पता नहीं थी, और मतलब एक कहते हैं गाने या गाना, एक कहते हैं तकड़ा करके फैन होना। पापा एक गाने को कंटिन्यू 100 बार गा देते हैं, मतलब गाने का इतना ज्यादा क्रेज है पापा को। मैं तो बोल रही हूँ इंडिया गो टैलेंट में चले जाओ, इतना ज्यादा क्रेज बोलते हैं। देखो कितना अंतर है इस रूम की लाइट में और यहाँ की लाइट में, यहाँ पे क्लियर आ रहा है, वहां पे कम आ रहा है। पापा एक गाना कितनी बार गा सकते हैं, मतलब इतना शौक है इन्हें गाने गाने का, इतना शौक है बहुत ज्यादा। कभी कभी तो मैं बोलती हूँ कि सिंगर
अभी आप लोगों को सुनाऊंगी, वे बोल रहे हैं कि मैंने अपने फोन में जो रिकॉर्ड कर रखे हैं वो वाले सुनवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है उन्हें ही सुनवा दो, पर सुनवा दो। आप लोगों को पापा की सिंगिंग सुनवाती हूँ, बताना किस किस को कैसी लगी। आप लोगों ने देख ली पापा की आवाज, पापा की सिंगिंग। आज पापा फिर से, आज पापा को कैमरा शाही वाले हो गए हैं, आज फिर से कैमरे से शर्माने लगे हैं। मतलब इनका पता नहीं है, जिस दिन ये टिप टॉप रहेंगे मतलब इनका मूड नहीं है कैमरे के सामने आने के लिए। तो ठीक है बताओ, अब बताओ उभरते हुए सितारे क्यों तुमने अपना टैलेंट छुपाया। उस टाइम पर कोई साधन थोड़ी, अब तो फोन से थोड़ा सॉफ्टवेयर से गा लें। पूरा क्रेज है इन्हें, कहाँ मिल रहा है पता नहीं। कौन सी ऐप है जिसमें म्यूजिक डले? स्पॉटलाइट पर गया मैंने। स्पॉटलाइट मैंने कभी यूज नहीं करा। उसमें म्यूजिक बजता रहेगा, फिर ये इनका गाना गाते रहेगा, है ना? ऐसी है ना, ऐसी है। तो पापा ऐसी बहुत सारे पापा ने गाने गा रखे हैं, जिसे बोलते हैं ना बहुत सारे। पापा हमेशा पुराने गाने गाते, नए नहीं गाते कभी। नए भी हैं। एक बार की बात है, पापा ने मुझे 10 गाने सुनाए। उन 10 गानों में से पूछते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा है, और 10 गाने एक ही गाना। तो उसमें मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्योंकि जो गाता है उससे ज्यादा आता है। वैसे मेरी आवाज भी ठीक है, गाने की कोशिश करूं आने से उसके नहीं तुम्हारे आने से उसके ना, इतना बुरा भी ना गा रही हूँ आने से भजन ना गा रही हूँ मैं दोबारा। बाबा हंसवाओ मत प्लीज, गान दो मुझे। जब तुम गाने गाओ तो परेशान ना करते, तुम मुझे गान दो आने से उस, सीरियसली आने से उसके आए बहाव। जैसे काट लीजिए बरेंदे, हमने बस बंद कर बोलने, बस रहने बंद कर। ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत अच्छी सिंगिंग करती हूँ। बस वो मेरा इस टाइम में थोड़ा हंसी वसी के मूड में हूँ, तो इसी वजह से मेरा छुपा हुआ टैलेंट नहीं निकल रहा। और आज कितनी तारीख है? शायद 30 तारीख के, 30 या 31 को, शायद 30 तारीख को सागर आ जाएगा। वो जब जब आता है, जब इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि बस पूछो मत, जब वो चला जाता है फिर भाई हम तीनों, क्योंकि उसके ना वो बिल्कुल मतलब बोलते हैं हसमुख है, जिन जो लोगों से जानते हैं बिल्कुल हसमुख है वो। और जहाँ भी वो रहेगा एकदम खुशी का माहौल रहेगा। तो ये ब्लॉग शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और मुझे किसी ने बोला था कि आप डेली ब्लॉग बनाया कीजिए, क्योंकि उन्हें वेट रहता है मेरे ब्लॉगिंग का। तो बस इसी वजह से मैंने कल नहीं बनाया था यार, आप लोग समझ सकते हो। फिर डेली बीमार 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 आप लोग भी थक गए थे। मैं इसे ओढ़ लेती हूँ, ये जैकेट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि अलग से कुछ ओढ़ना नहीं पड़ता, फिर इसमें हमारे कान छुपे रहते हैं। तो मैं इस लोग को यहीं एंड करती हूँ, और वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना कपड़े वाली जो मैंने इससे पहले की थी रिव्यू। बहुत बेहतरीन सूट है, जब मैं स्टिच कराऊंगी तब आप लोग देखना। मास्क सूट है 2000 रुपये में,
कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से आप ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।